नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। डीएम ने किया कई हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का औचक निरीक्षण। जनपद मुजफ्फरनगर के वर्धमान हॉस्पिटल में आज जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी के द्वारा कोविड-19 ड्राई रन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने वैक्सीन लगाने की पूरी चेन का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 35 कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन सेंटर बनाए गए हैं, जहां आज 15 प्राथमिक चिकित्सालय व प्राइवेट चिकित्सालयों में कोरोना ड्राई रन का कार्यक्रम हो रहा है। आगामी 16 जनवरी को जनपद के 9 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन के टीके मुजफ्फरनगर की जनता को लगाने की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत आज जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा जनपद के प्रमुख वर्धमान हॉस्पिटल व शांति मदन हॉस्पिटल सहित कई प्राथमिक चिकित्सालयों पर ड्राई रन के अंतर्गत निरीक्षण किया गया। वहीं CMO प्रवीण चोपड़ा ने बताया कि हम लोगों ने अपनी पूरी व्यवस्था कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाने को लेकर बना ली है। जहां 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन के टीके लगेंगे, उसी संदर्भ में किसी तरह की कोई भी व्यवस्था खराब होती है तो उसके लिए पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, डॉक्टर की टीम, स्थानों आदि का इंतजाम किया गया है। कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाने में मुजफ्फरनगर की जनता का कोई भी असुविधा नहीं होगी और ना ही होने दी जाएगी। हम लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी कर रही है। निरीक्षण करने में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह, CMO प्रवीण चोपड़ा, SDM अजय अंबस्त व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विशाल प्रजापति, पवन, मुजफ्फरनगर। आज जो है, जितने जगहों पे भी हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम होगा, उस सब जगह में ड्राई रन था। इसी सिलसिले में आज हमारी जो मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी महोदय हैं, वो वर्धमान हॉस्पिटल जो इसमें जानसर रोड पे है, उसमें आए, इनका जिलाधिकारी महोदय का दौरा हुआ था और उन्होंने सारी साइट को जो है पूरी तरह से गहन निरीक्षण किया और उसमें किसी तरह की कमी तो नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से निरीक्षण किया, किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई और पूरी तरह से संतुष्ट होकर। सर, जनपद के अंदर कितनी जगह ड्राई रन हो रहा है, कितनी जगह कोविड वैक्सीन लगेगी पेशेंटों को? आज अभी तो है करीब करीब 15 जगह ड्राई रन हो रहा है। 35 सेशन किए गए हैं। 16 तारीख से जनपद में वैक्सीन का कार्य शुरू होगा, जो कि 9 जगह प्रारंभ होगा। सर, 35 जो सेक्शन बनाए गए पूरे जनपद में, नगर देहात सब जगह? सब जगह है, लेकिन अभी जो 16 तारीख को जो उद्घाटन होगा वो केवल 9 जगहों पे। कहाँ पर होगा वो? सारी गवर्नमेंट की जो CSC है वो उसी में CSC, UPSC और जिला स्तर। हाँ जी, है नहीं, उसमें खाली CSC है। सर, वर्तमान में होगा सब लोग? नहीं, अभी नहीं होगा। जब रूटीन टीक बनाई हुई है सर, इसमें हर टीकाकरण के लिए सेशन के लिए 100 आदमियों को बुलाया जाएगा और इसमें 3 कमरे होंगे। पहले कमरे में सारे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होगा कि वो कोई है, जो उसमें पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। दूसरे कमरे में जाके टीकाकरण होगा। तीसरे कमरे में जो वेटिंग रूम होगा, उसमें आधे घंटे के लिए उसमें देखा जाएगा कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें अभी तक कोई साइड इफेक्ट, बड़े साइड इफेक्ट की कोई सूचना भी नहीं है। एक्चुअली ये वर्धमान हॉस्पिटल न्यू वन और जो पुराना हॉस्पिटल है, वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने हमसे ले लिया है, जहाँ पर पूरा टीकाकरण का कोविड के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। आज ड्राई रन था, जिस ड्राई रन के लिए हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। पेशेंट्स का पूरा इंस्पेक्शन है, पूरा उसके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद में, प्रॉपरली उसको इंजेक्शन लगाने के बाद में, एक पोस्ट ऑफ केयर रूम है जहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसको डील करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। DM साहब अभी निरीक्षण करके गई हैं। इसी तरह का अरेंजमेंट हम लोगों ने पुराने हॉस्पिटल में भी किया है, जो कंटिन्यूअसली जब तक वैक्सीनेशन होगा वहाँ पर किया जा सकेगा। जी, जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे उनके लिए हमें गवर्नमेंट की पूरी हेल्प, CMO ऑफिस से पूरी हेल्प मिली हुई है और जो लोग हम जो सुविधाएँ हम दे सकते हैं वो हम लोग देते रहेंगे।